हाय गाइज, मेरा नाम है गोविंद और मैं रहने वाला हूँ उत्तराखंड का। तो अमेजोन से मैंने आज ही प्रोडक्ट मंगाया है जो कि इस तरह से फटा हुआ है कुछ, तो कोई दिक्कत नहीं। फिलहाल ये खुला हुआ तो नहीं है कि शायद ये चिपक गया हो इसलिए ये फट गया। तो मैं एक पुरानी टूटी हुई ब्लेड है सिंपल सी, तो मैं इससे इसकी अनबॉक्सिंग तो कर लेता हूँ, पहले देखते हैं इसमें क्या निकलता है। ये आसानी से खुल गया है। तो ये इस तरह का डब्बा है, काफ़ी बड़ा डब्बा है, प्रोडक्ट इस तरह का है। देखो डब्बे, इतने बड़े डब्बे में इन लोगों ने इतना बड़ा खाली गत्ता खर्च कर दिया है। तो ये है इसका प्राइस लिस्ट, तो आप इसमें देख सकते हैं। जूम तो नहीं हो पा रहा है, बहुत बारीक लिखा हुआ है। तो ये जो प्रोडक्ट है मेरे को मिला था 500 रुपये का, और इसमें मैं देख रहा हूँ कि इसका प्राइस जो है 500 रुपया तो नहीं है, 223 लिखा गया है, 2 63 रुपीज़ लिखा गया है, लेकिन ये जो है मेरे को 500 का पड़ा। अब इसका प्राइस लिस्ट कुछ और प्रोडक्ट कुछ और। तो हालांकि इस प्रोडक्ट की कीमत 500 रुपये ही है, चलो देखते हैं इसका क्या लफड़ा है, ये मैं बाद में देखूँगा। तो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ओहो, प्रोडक्ट पीछे उस तरफ गिर गया है। अब मुझे इसे निकालने के लिए कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। फिलहाल मैं आपको ये चीज़ दिखा देता हूँ पहले। तो ये है मेरा ट्राईपॉड, एक कवर के अंदर आता है। कवर की क्वालिटी तो अच्छी है, आप इसको कैरी करने के लिए रख सकते हैं अच्छे से, मतलब कहीं पर आप शर्मिंदा नहीं होंगे इस कवर को लेके। ठीक है, कवर कोई दिक्कत नहीं। और ये है इसका यूजर मैनुअल, इसके और भी जो ब्रांड हैं इस कंपनी की क्या क्या बनाती है, तो ये चीज़ें दिखाई गई हैं। ये है वारंटी कार्ड, इसमें बार कोड भी दिया गया है, और ये इस तरह की पैकिंग में रखा गया है। तो मैंने ट्राईपॉड जो मंगाया था तो इसके रिव्यू भी अच्छे देखे थे मैंने, तो मैंने मंगा लिया। तो ये इस तरह का है, तो ये किनारों से तो एकदम इस तरह से घूम चला जाता है, यहाँ से पेच लगे हुए हैं, तो ये इधर से आप ढीला करके इसको मूवमेंट देने के बाद कस देंगे तो ये कस जाएगा फिर। तो ये इस तरह से 90 डिग्री में भी आ जाता है, ये इस तरह का है, ये देखो इस तरह से कट लगा है, तो ये 90 डिग्री में आ जाएगा। ठीक है, इधर से चारों ओर घूम खुल भी जाता है, अगर आप इसे हटा देंगे तो ये जो आपका DSLR इसमें फिट हो जाएगा। जैसे कि मेरा मेरे पास है कैनन का M50 Mark II, तो मैंने इसके लिए ही मंगाया है। फिलहाल मैं, मेरे पास जो ट्राइपॉड है वो स्टैंड वाला है, तो मैं इसको बाहर नहीं ले जा सकता हूँ। इसको मैं बाहर ले जा सकता हूँ ताकि मैं ब्लॉगिंग के लिए इसको यूज़ करूँगा। इसकी क्वालिटी अच्छी है, इसमें हम आराम से जो है कस सकते हैं, इसके ऊपर कसेगा तो इसको मूवमेंट कर सकते हैं, डायरेक्ट लगाना चाहते हैं तो उधर लग जाएगा। ठीक है, क्वालिटी सही है, आप इसको 4 लोगों के बीच में दिखा सकते हो, आपकी बेइज्जती नहीं होने वाली। और ये जो ट्राईपॉड है इस तरह से बैंड हो जाता है, यदि आप आउटडोर जाते हैं तो इसको कहीं पर आप, मतलब जैसे मान लो कि आप 4 लोग हो या 5 लोग हो, अगर साथ में फ़ोटो खींचना चाहते हो तो आप इसको कहीं पर भी स्टैंड करके आप फ़ोटो खींच सकते हो। इसको सीधा करना पड़ेगा, तो आप इस तरह से स्टैंड करेंगे कहीं पर भी, या पेड़ पर लपेट दो, और आसपास कोई भी पेड़ हो तो आप उसमें लपेट के इससे फ़ोटो खींच सकते हो। तो अच्छी क्वालिटी है, रबड़ की क्वालिटी मुझे ऐसी लग रही थी तो अंदर से, सच बताऊँ तो इसके अंदर रबड़ ही रबड़ ऐसा लग रहा है, अंदर कोई मेटल चीज़ मुड़ने पे ही पता लगती है। अच्छी क्वालिटी है, ऐसे मैं आउटडोर वीडियो बनाऊँगा तो मैं आपको पूरी वीडियो दिखाऊँगा अपनी। वैसे मैं एक ब्लॉगर हूँ तो मैं इसमें ब्लॉग वीडियो ही बनाऊँगा, तो मैंने जो भी एसरेज मंगाई है उसकी वीडियो देता रहूँगा इस तरह से, और मेरे पास जो भी प्रोडक्ट आएंगे इस तरह के तो मैं आपको दिखाता रहूँगा। इसकी क्वालिटी सही है, ये थोड़ा सा यहाँ से ना प्लास्टिक है शायद ये, पर एलुमिनियम टाइप का दिखता है, हालांकि मैं सर खरोंच के देख रहा हूँ तो प्लास्टिक ही है शायद, थोड़ा होगा ये मेटल पर अंदर, बाहर यहाँ पर प्लास्टिक है, अंदर से मेटल होगा, इसलिए नेट लगाया गया सपोर्ट से। क्वालिटी सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको यूज़ करूँगा मैं, अच्छी क्वालिटी है, पकड़ने में अच्छी ग्रिप मिल रही है, रबड़ का है। तो चलते हैं आउटडोर और बाहर कुछ फ़ोटो वीडियो बनाते हैं, आपको ब्लॉग दिखाते हैं। तो मेरा ये चैनल, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, तो और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलते हैं आउटडोर और वीडियो बनाते हैं, कैसी वीडियो बनती है एक ट्राइपॉड के साथ। वैसे हमें हाथ ऊपर उठा के रखना पड़ता है, इसको लेने के बाद मुझे थोड़ा हाथ थोड़ा सा कम्फर्ट रहेगा ऐसे, मतलब ज़्यादा ऊपर नहीं करेंगे तो थकेगा भी कम।
तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं, बाय बाय।